एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज का वीडियो इंटरव्यू वीडियो होने वाला है सो so, आज जो हमारे चैनल पर गेस्ट आने वाले हैं उनका नाम मयंक त्यागी है सो ही इज़ यूट्यूबर ऑल्सो और वो इन in इन्फोसिस में काम भी करते हैं सो so, बिना किसी देरी के उनको बुलाते हैं और उनसे ही उनके बारे में पूछते हैं हाई मयंक वेलकम टू माई चैनल थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए सो सबसे पहले तो हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो क्या आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़ श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रियाना फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल सो हाई गाइज़ एंड आई लिटल बिट अबाउट माई सेल्फ सो आई एम माईंक त्यागी एंड आई वर्क एज अ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एट इनफोसिस एंड लाइक Uh, it's about uh, six months uh, i joined in and सो uh, so, वही की जो है ऐज आ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर मैं जो है इन्फोसिस में काम करता हूं और एक्चुअल में मतलब ये जो प्रोफाइल है इसका नाम थोड़ा सा अजीब लगता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर बट जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल है इन्फोस में थोड़े जॉब रोल के नाम आ, थोड़े अजीब से लगते हैं मतलब वो कई बार आ, ऐसा होता है कि आ, लोग समझते हैं कि ये सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट में एज आ तुम सिस्टम इंजीनियर ही वर्क करते हो बट ये जॉब रोल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही सो right, right. uh, so, uh, ये, ये और रिसेंटली uh, अभी जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और इससे पहले मतलब रिएक्ट जे एस एंगुलर वगैरह पे मैंने काम किया है okay. और रिगार्डिंग माई ट्रेनिंग ट्रेनिंग मेरी हुई थी फुल एज अ फुल स्टैक डेवलपर मेन स्टैक डेवलपर बट उसके बाद से उसके बाद से थोड़ा सा मतलब uh, प्रोजेक्ट जो है वो फ्रंट एंड टाइप uh, के मिल रहे हैं और जो ज़्यादा काम भी किया है वो फ्रंट एंड और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे किया है <laughs> so okay. this was uh, like introduction about me, yeah. ओके ग्रेट ग्रेट मतलब आ, आपने स्टार्टिंग से ही बहुत सारी कोडिंग कर रखी है और आपने आ, मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखा है सो so, बट हाँ आपका थोड़ा सा जो टाइटल है जॉब प्रोफाइल है वो सुन के लगता है कि लाइक थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा या मतलब लाइट सा बट but... हाँ वो वो थोड़ा सा मतलब जॉब रोल जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है कि एज अ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर नाम थोड़ा मतलब हम, लगता है वो डिजिटल okay. इंडिया राइट राइट सो थैंक यू सो मच मयंक फॉर गिविंग योर इंट्रोडक्शन सो मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करके रखे हुए हैं आपके लिए जो हम आपसे एक्सपीरियंस हो सकती थी क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं कुछ एक्सपीरियंस भी हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है सो so, बेसिकली uh, okay. जो फ्रेशर्स है उनके लिए जरूर आपसे कुछ क्वेश्चन मैंने पिक कर रखे हैं जिससे के लिए उनके लिए जो जॉब वगैरह के लिए काफी हेल्प कर सकें और वो लोग कुछ सीख सकें सो so, मयंग मैंने आपके लिए जो पहला क्वेश्चन पिक किया हुआ है वो ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रेशर होते हैं मतलब जो कंपनी में स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो उनको ऐसी कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी चाहिए मतलब कौन सी ऐसी पहली लैंग्वेज जो सेलेक्ट करनी चाहिए इस पर आपका क्या ओपिनियन है एज अ फ्रेशर आप अगर स्टूडेंट हैं मतलब बिल्कुल आप प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट करनी है तो uh, मैं प्रेफर करूंगा कि आप सी लैंग्वेज चूज़ करें क्यों, क्योंकि सी एक तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि उसके बाद जैसे ही आप प्रो, प्रोसीजर सीखते हैं तो इवेंचुअली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी होती है तो आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो कुछ जो डिफरेंसेस हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी बट अगर आप जो है स्टार्ट करेंगे सी से तो सी में क्या होता है कि सी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे लाइक like आपको जो है जो मेमोरी एलोकेशन होता है सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर जो होते हैं तो अगर आप सी से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप जब मूव करेंगे जैसे सी प्लस प्लस में मूव करें या फिर आप जावा में मूव करें जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई अपनी सी प्लस प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो गई तो उसमें आपको थोड़ा मतलब बेनिफिट रहता है कि आपको चीज़ें पता रहती है कि हाँ ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाने के बाद ये ये डिफरेंस है तो आ, मैं प्रीफर करूँगा कि आप सी में जाएँ और सी के बाद जैसे आप सी थोड़ा आप में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सी आपको थोड़ी लगने लगे ईजी हो हो गई और आपने कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर ली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं देन आप मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेरी प्रेफरेंस रहेगी इधर सी प्लस प्लस और जावा पाइथन इज ऑल्सो गुड बट पाइथन लाइक बिगनर्स को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि काफ़ी ईजी टू लर्न है और इस्टार्टिंग काफ़ी ईजी है बट जो ऑब्जेक्ट ट्वेंटीड के कॉन्सेप्ट हैं वो पाइथन के लिटल बिट डिफरेंट हैं एक्चुअल जो uh, अगर आप देखेंगे जावा से कंपेयर करके या सी प्लस प्लस से कंपेयर करके तो आई थिंक कि सी प्लस प्लस और जावा आप जो है स्टार्ट करें और okay. तब आप फिर आगे okay. मूव करें अच्छा। ओके ओके सो एज अ फ्रेशर मतलब आपको क्या लगता है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मतलब वो लोग मल्टीपल लैंग्वेज की तरफ भागते हैं मतलब उनको लगता है कि उन्हें पाथन भी आना चाहिए सी भी आना चाहिए और और भी अदर जो लैंग्वेज है रिया सब कुछ आना चाहिए तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है मतलब uh, उन लोगों को uh, सारी लैंग्वेजेस आना चाहिए एज अ फ्रेशर या फिर वन और टू लैंग्वेजेस आर इन फॉर सो आप इस पर अपना क्या ओपिनियन uh, देखो एज अ फ्रेशर आप अगर फर्स्ट ईयर में है आप सेकेंड

हाँ वो इशू होता है तो आप मतलब किसी एक लैंग्वेज को पकड़िए और आप उसमें बिल्कुल एकदम फ्लुएंसी आप लाइए कि अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसमें बिल्कुल और आप एकदम फ्लुएंट हो गए उसके बाद हाँ आप okay. दूसरी लैंग्वेज चूज़ करिए आपको अगर लग रहा है कि हाँ नहीं मेरा लेट uh, सपोज कि मैं अगर, अगर अपना एग्जाम्पल लूँ मैं मोस्टली uh, जावा में अपनी कोडिंग वगैरह करता था अभी भी मैं अगर okay. uh, बात करी जाए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सोलविंग की तो मैं मोस्टली जावा mm -hmm. में करता हूँ क्योंकि मैंने जावा स्टार्ट की थी बट मेरे साथ इशू क्या था कि मैं जावा में स्टार्टिंग से कम्फर्टेबल हो गया तो मैंने uh, सोचा नहीं कि, कि मैं स्विच कर लूँ लैंग्वेज या वो कुछ कर लूँ ठीक है फिर मैंने सी प्लस प्लस की तरफ ध्यान दिया तो मैं इतना कंफर्टेबल था कि नहीं यार सी प्लस प्लस क्यों ही सीखने जावा आती है बट ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए तो आप वो चीज़ को भी ना होने दें क्योंकि आपको इवेंचुअली अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं या कहीं दूसरा कुछ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको इवेंचुअली दो तीन लैंग्वेजेज़ या फिर आपको फ्रेमवर्क वगैरह लाइब्रेरी वगैरह सीखनी पड़ेंगी तो कंफर्टेबल जोन से निकल के और चीज़ें ट्राई करिए और आप देखिए मतलब आपको जहाँ आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप उनको सीखे बट हाँ ये बेनिफिशियल होता है कि दो तीन लैंग्वेजेज़ आपने की हुई हैं लाइब्रेरी आपको लाइट uh, सपोज़ आपने जावा की हुई है आपने जावा की हुई है फिर आप जावा से अपना रिएक्ट uh, फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं एंगुलर uh, जो है क्योंकि एंगुलर में बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होती है तो टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ लाइक जावा तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल uh, होती हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आपको आती हैं सो मैं चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसे कि कुछ लोगों को देखते हैं कुछ स्टूडेंट जो है दे आर गुड इन कोडिंग बट दे आर नॉट गुड इन एप्टीट्यूड एक्चुअली सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग प्लेस नहीं हो पाते हैं या फिर उनकी होप खत्म हो जाती है कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो वही रहता है तो हम वहीं पे बाहर हो जाएंगे तो आगे हम शायद नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे तो ये सोच के वो लोग शायद थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड पर ही फोकस करना चाहिए या फिर तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को ओके okay, सो so, काफ़ी सही क्वेश्चन था ये और मैं बताऊं कि एप्टीट्यूड मेरा भी इतना अच्छा नहीं था और मतलब प्रैक्टिस की तो ठीक हो गया बट बिगनर्स एज अ अगनर्स लेवल का ही एप्टीट्यूड मेरा अभी भी है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरा मन नहीं करता था तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्चुअल में जो है अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो एप्टीट्यूड इज़ लाइक कोडिंग मैथ है बेसिकली तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप जो है नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में तो सेम वही अगर एप्टीट्यूड की आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा बट ऐसा भी नहीं है कि एक्चुअल में एप्टीट्यूड के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी या बिल्कुल नहीं हो क्योंकि Uh, मेरा खुद का प्लेसमेंट जो हुआ था मैंने हैक विद इन्फी के थ्रू जो है मेरा प्लेसमेंट हुआ था इन्फोसिस में okay. और ये इन्फोसिस का एक जो है कोडिंग कंपटीशन है प्योर कोडिंग कंपटीशन इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं कुछ नहीं दो कोडिंग राउंड होते हैं सिंपल एक हैकाथन होता है अगर आप दोनों कोडिंग राउंड क्लियर करते हैं देन एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है और प्योरली उसके बेसिस पे आपका प्लेसमेंट होता है आपको कहीं कोई एप्टीट्यूड नहीं देना कुछ नहीं देना तो आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अगर आपको एप्टीट्यूड लग रहा है कि नहीं होता तो ठीक है आप साइट्स uh, पे जाइए आप जो है करियर पोर्टल्स uh, पे जाइए कंपनीज़ के पे वहाँ देखिए आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करी जाए तो सर्विस बेस्ड कंपनी में एप्टीट्यूड बूझा जाता है बेसिकली तो आप जो है काफ़ी सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी देख सकते हैं क्योंकि विप्रो uh, ले लीजिए इन्फोसिस ले लीजिए ये सब कंपनीज विदाउट एप्टीट्यूड वाले भी जो है कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह और जो है ये निकालते हैं जिससे हायरिंग करते हैं जिसके थ्रू ये तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा एप्टीट्यूड नहीं आता है तो तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है राइट right, राइट right. uh, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो नॉर्मल कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं इवन वो भी ज्यादातर उस पे फोकस नहीं करती हैं तो आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं मतलब लर्निंग होनी चाहिए एज़ अ फ्रेशर सो थैंक यू सो मच मयंक इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए इस अपना जो भी ये आई uh, थिंक फ्रेशर के लिए बहुत yeah. ज्यादा हेल्प करेगा ये ज्यादातर फ्रेशर इससे डीमोटिवेटेड रहते हैं और आई थिंक अब अब उन्हें uh, जो है मोटिवेट हो जाना चाहिए सो चलिए आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है जिस टाइम टाइम जो अभी चल रहा है सो so, अभी जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है और अभी क्या दो साल होने को आ रहा है कोविड का टाइम चल रहा है तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं जो कि अभी फोर्थ ईयर में हैं या फिर आ, पास आउट हो चुके हैं या फिर पास आउट होने वाले हैं तो उनको अभी बहुत डीमोटिवेटेड है इसको लेके कि शायद उनका करियर स्टॉप हो गया है या मतलब उनको हाँ, जॉब कैसे मिलेगी सो ये बैड सिचुए इस टाइम को वो लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी और आपका क्या ओपिनियन है तो आप इस पर शेयर करिए हाँ ये काफी मतलब अभी मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स को काफी जूनियर है मेरे तो उनकी भी ये इशू है कि उनको लग रहा है कि अभी चीजें एकदम रुक सी गई हैं कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि कॉलेजेस कॉलेजेस बंद हैं बिल्कुल तो कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उनको किसी से जो है कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बेसिकली अगर आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको होता है कि आप जूनियर से मिल रहे हैं अपने सीनियर से मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रहता है कि हाँ आपको क्या करना है तो आ, इस टाइम पर सबसे अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है क्योंकि आप एक तो नाइन टू फाइव कॉलेज आवर से बच रहे हैं ठीक है आई नो कि कॉलेजेस चल रहे हैं आपकी क्लासेस चल रही हैं बट जो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ कॉलेज टाइम पर होती थी कि आपको नाइन टू फाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी है वो नहीं है अभी और सबसे अच्छी बात यह कि उसमें आपकी क्लासेज जो चल रही हैं वो ऐसा नहीं है कि फ़िक्स टाइमिंग बिल्कुल नाइन टू फाइव चल रही हैं जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपना जो है जो है अपनी डेटा स्ट्रक्चर एलगोरदम डीएसए स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स के लिए क्योंकि इवेंचुअली आपको जॉब लेनी है और वो जॉब लेने के लिए चाहिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एलगोरिदम क्योंकि इस टाइम जो आई टी कंपनीज़ है पूरी आई टी इंडस्ट्रीज़ है उसका फोकस हो गया है कि अगर आप किसी को भी नई हायरिंग करना है इवेंचुअली अगर आपको मतलब कोई सीनियर भी है या किसी के पास एक्सपीरियंस है उसको भी हायर करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम या फिर कॉम्पटेटिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं वो आपको आनी चाहिए तो आप इस इस टाइम पे जो है ना उसको जो है फोकस करिए कि आप उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें आप अपनी जो एजुकेशन है उसको पैरली करिए उसमें कोई इशू नहीं है बट आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि वो आप करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पेड कोर्सेज ही खरीदने हैं आपको उनसे करना है नहीं नहीं यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज हैं आपको जी गीग गीक, गीक साइट है उस पर आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे आप लीड कोड लीड कोड सॉरी चेक कर सकते हैं लीड कोड के अलावा आप जो है कोर्ड सेफ अगर आप पहले से आपको अच्छी कोडिंग आती है तो कोडसेप पर आप ट्राई कर सकते हैं तो ये सारी पोर्टल्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और YouTube तो मतलब काफ़ी सारी रिसोर्सेज है YouTube पे तो इतने अभी आप देखेंगे नए नए चैनल्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर को पे फोकस कर रहे हैं और सबसे अच्छा अभी मैं बताना चाहूँ अपना कॉलेज करके चैनल है वो वो काफ़ी okay. अच्छा है और उस पर जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो बहुत अच्छा है तो आप इस टाइम को बैड टाइम ना समझें इसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें अपनी जो है ग्रोथ के लिए अपना जो आपको जॉब लेने के लिए जो इवेंचुअली चाहिए ना वो इस टाइम में आप सब कर सकते हैं जो कि आप कॉलेज टाइम में नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे आपको असेसमेंट बहुत ज़्यादा करने होते थे असाइनमेंट भी करने होते हैं और अभी इस टाइम पे काफ़ी रिलैक्सेशन है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना आप पे उस टाइम होता था तो इस हाँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैप करें इसको बिल्कुल मत छोड़ें और लाइटली तो लेना कि जो है अभी हाँ। आप जो है अगर कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है इस टाइम आप करिए और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका बेनिफिट है राइट राइट सो क्योंकि इस टाइम पे ना हमारा सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चीज है वो यही है कि हमारा टाइम बहुत सेव हो रहा है तो हम हाँ, हमारे पास टाइम की हाँ, कमी नहीं है हाँ राइट right. सो so, उसमें हम डीमोटिवेट होके टाइम वेस्ट ना करके अगर हम लर्निंग पे वो उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आई थिंक हमारा जो नॉर्मल डेज होते हैं उससे भी बेस्ट टाइम ये बन जाएगा सो इट डिपेंड करता है हाँ, आप इस टाइम को कैसे लेते हैं राइट 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 ओके मयंक थैंक यू सो मच अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए सारे क्वेश्चंस पे आपने बहुत अच्छे से शेयर किया आई थिंक फ्रेशर्स जो है, जो हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारे जो आपने जो आपने शेयर करा है वो काफी हेल्प करेगा और और अगर कोई डाउट होता है किसी को तो वो कॉमेंट में अभी भी पूछ सकता है तो हम हाँ। दोनों उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो है लास्ट में आपको शेयर करना चाहेंगे मयंक हमारी कम्युनिटी को हाँ देखो मैं जो है एक मैंने अभी जो मेरा छः लाइक आई गेस सिक्स मंथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है हाँ। तो मैंने उसमें जो चीज़ नोटिस करी है एज आ वर्किंग इन इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हुए कि जो कॉलेज से हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं और जो फिर यहाँ आईटी इंडस्ट्री में हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है ओके। तो आप जो है फोकस करें कि आपने अगर प्लेसमेंट ग्रेप ग्रैप कर लिया है तो आप जो है प्रोजेक्ट वगैरह करने पे थोड़ा ध्यान दें आप थोड़ी नई नई चीजें सीखें जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आप जो है नए फ्रेमवर्क आप जो है ऐसी चीजों पे थोड़ा ध्यान दें तो ये चीजें आपको जो है हेल्प करेंगी आगे इंडस्ट्री में कि कैसे काम करना है तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास प्लेसमेंट मिल गया आपको प्लेसमेंट हो गया आपका तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और जो है कैसे इंडस्ट्री में काम होता है या फिर जैसे अजाइल एक है मैथोलॉजी जो जिस जिसके थ्रू मतलब जैसे जो प्रोसेस होता है कि कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो उस चीज़ को थोड़ा फोकस करें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ओके ओके सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग टिप

तो थैंक यू थैंक यू मैम सो अगर अगर, अगर मतलब yeah, आगे भी तो हम लोग आ, और भी सेशंस ऐसे कंडक्ट करेंगे हाँ श्योर 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 सो so, और भी चीजें डिस्कस करेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ बाय बाय